बिसम नाद्रीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान खान हूँ आज इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया जहाफियों के साथ उन्होंने बातचीत की जो रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के मीडिया में वो बातचीत ये बता रही है कि खुलासा एक लाइन में उसका ये है कि इमरान खान हार नहीं मान रहा स्टैब्लिशमेंट के साथ या इस्टबलिशमेंट की पॉलिसी के साथ इमरान खान कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है बाज़ार यही दिखाई दे रहा है यानी इमरान ख़ान बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें कही हैं मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से क्या बात की और ये बातचीत पाकिस्तान को पाकिस्तान इंसाफ़ को और पाकिस्तान के आने वाली सियासत को ख़ास तौर पर ईद के बाद किस तरफ लेकर जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर्स और भी आ रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान के दिफाही इदारों के ऊपर जिस तरह के स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ रहे हैं जो कार्रवाई उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हमले कर रहे हैं और ये हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ हमलों की जिम्मेदारी जहाँ से पहले कबूल की जाती थी वहाँ से नहीं की जा रही बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा उसको समझने के लिए पहले इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट है क्योंकि देखे आप खबरों में से आज किसी भी एक एलिमेंट को निकाल दें पाकिस्तान में से तो फिर भी खबरनामा बन जाता है एक घंटे का ख़बरनामा होता है नॉर्मली दस पंद्रह मिनट के इश्तहार निकाल दें खबरनामा बन जाता है कोई भी खबर आप उसके अंदर से निकाल दें जितनी मर्जी आम खबर हो लेकिन अगर तरीके इंसाफ और इमरान खान को आप निकाल दें तो खबरनामा नहीं बनता पाकिस्तान के अंदर क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि तो मैं डेस्क के ऊपर बैठा रहा हूं मैंने वो सारा काम देखा है खुद किया है इमरान खान को या तरीके इंसाफ को माइनस करें आप तो आज पाकिस्तान का खबरनामा नहीं बन सकता और किसी भी खबर के बगैर बन सकता है किसी को माइनस कर दें बन जाएगा वजी को माइनस कर दें बन जाएगा वजी को माइनस कर दें बन जाएगा किसी भी पोलिटिकल पार्टी को माइनस कर खबरनामा आपका बन जाएगा लोग देख भी लेंगे आप खबरनामे से इमरान खान को को या तरीके इंसाफ निकालें खबरनामा जीरो हो जाएगा वो बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में तो आज की खबर इमरान खान साहब ने जो कहा पहले वो आप सुन लीजिए डॉन अखबार इसको कैसे लिख रहा है जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था ये इमरान खान साहब ने कहा अच्छा मैं ये इमरान खान साहब का आपको पढ़ के सुनाऊँ इससे पहले मैं आपको ये क्यों ना बताऊँ कि नजम सेठी साहब ने एक जुमला बोला अपने प्रोग्राम में एक तो उन्होंने जो बातें की हैं नजम सेठी साहब ने वो बहुत क्लियरली जो बातें हैं वो एक तो बड़ी मज़ेदार बातें हैं और बड़ी क्लियर बातें हैं उन्होंने कहा कि जब मुल्क इस्टेबलिशमेंट के साथ था तब नवाज शरीफ साहब एंटी टी हो गए थे और आज मुल्क एंटी टी एस्टेब्लिशमेंट है तो नवाज शरीफ जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं हाँ साथी तौर पे इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दे दिया हालांकि इमरान खान साहब ने वहाँ सुना तो नहीं होगा आ, नजम सेठी साहब को नजम सेठी साहब का ये जुमला है तो देखें हुआ ये है कि इसको एक और एंगल से देखा जा सकता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट माफियाज के ख़िलाफ़ थी या उन पोलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ थी जिन्होंने पाकिस्तान में लूटमार की है स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज सिंपल करें और सादा कर लें आप जब तक इस्टैब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं मिली थी तब तक इस्टैब्लिशमेंट की इज्जत थी और जिस वक्त स्टैब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल गई तो इस्टैब्लिशमेंट की इज्जत खराब हो गई सादा बात यह लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनना ज्यादा जरूरी है और मैं तो अपना तजिया आपको देता रहता हूँ इमरान खान साहब ने कहा बानी पाकिस्तान तरीके इन पाकिस्तान तरीके इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम इकतदार में थे तो फ़ौज का इमेज आसमान पर था डॉन न्यूज़ के मुताबिक बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तू करते हुए कहा फ़ौज का इमेज उस दिन ख़राब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे इमरान खान का कहना था कि जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियाँ धमका रही हैं आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में पड़े हुए हैं आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है उन्होंने कहा कि जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और सबक आर्मी चीफ जनरल रिटायर बाजवा ने बताया था वैसे बाजवा साहब ने तो बताया था कि शहबाज शरीफ ने पैंतालीस तक कमीशन खा लिया इसके अंदर ऑरेंज ट्रेन के अंदर और ये बहुत करप्ट आदमी है फिर बाजवा साहब ने यह भी बताया था कि अगर पाकिस्तान की इकोनमी को तबाह करने के लिए कोई आदमी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है जिसने पूरी तरह तबाह बर्बाद किया है तो वो इसहाक डार है फिर बाजवा साहब ने कहा था कि ये बात उनको कंफर्म की मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब वो वजीर खजाना बने शायद शाह खजानाबादी साहब के दौर में पी एम एल एन की हुकूमत थी तो वो बहुत बातें उन्होंने बताई थी साफियों को भी बताई थी सियासतदानों को भी बताई थी और उनके सबूत मौजूद थे और वो ग्राउंड पर नज़र आ रही थी जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा है ये इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं बानी पाकिस्तान तरीकान इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि अट्ठारह मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कतल करने का मनसूबा था चौबीस घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर दिया गया था क्यों जुडिशियल फुटेज सामने नहीं लाई जा रही इमरान खान का कहना था ली के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत एक करोड़ अस्सी लाख रुपए बनती है उन्होंने कहा कि तोशाखाना में सजा अगर इतनी बनती है तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर केस ही कोई नहीं है उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया पाकिस्तान तरीके इसाफ़ के बानी इमरान खान साहब का कहना था कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा चौधरी प्रवेद लई शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे बाकी खबर एक्सप्रेस न्यूज से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ इमरान खान ने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को आई एस आई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्स मैन से ग्राफ ज्यूलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया और फिर उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूँगा इमरान खान साहब ने कहा उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई ये इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा प्रवेद रई और शाहबहम्म कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कादीफाएसा साहब को फैजाबाद केस और भुट्टो केस याद है मगर कादी फायद इस को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कम्पलेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्पलेक्स में मौजूद थे क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की सी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही इमरान खान ने कहा कि लंडन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था लंडन प्लान के लिए जजेस को भी साथ में लाया गया आईएसआई ने जजेस की तकर्रियाँ करवाईं जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है मशर्की पाकिस्तान में रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया मुजीबुरहमान की अक्सरियत से याया ख़ान की ताकत ख़त्म हो जाती हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि रहमान इलेक्शन जीत गया था मशर्की पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान ने कहा कि इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसन नकवी वायसराय बना हुआ है शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है इसके पास कोई ताकत नहीं है मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं दूसरी तरफ जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं मुल्क में लाकानूनीत है इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया है कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है जब हम इकतदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था फौज का इमेज तो उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठी जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आई एस आई और जनरल बाजवा ने बताया था जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा इमरान खान ने कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की तकरड़ी से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारी मुखालफत में नहीं है मैंने आरफ़ अलवी के ज़रिए आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है अली जैदी रबते में था इसके ज़रिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें हमें कहा गया कि फ़िक्र ना करें वो न्यूट्रल रहेंगे मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता गुलामी से बेहतर मौत है साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको जस्टिस फ़ायज़ ईसा से इंसाफ की उम्मीद है इस पर इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले कौम सब कुछ देख रही है मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शूर आ चुका है हमें गद्दार बनाया गया नौ मई में फंसाया गया लेकिन कौम ने आठ फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है इमरान खान ने कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की हाँ जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सपा सलार फौज नहीं होता वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया जनरल याया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता उन्नीस में मुल्क टूटा आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं आज दोबारा इलेक्शन करवा लें दोबारा सबको पता चल जाएगा मुजाकर के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद दो मरतबा जनरल रिटायर बाजुआ से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ इस वक्त मेरी का इशू नहीं है पाकिस्तान का इशू है मुझे कायल कर लें मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है साहफ़ी ने बुशरा बीबी को जहर देने से मुतिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक बशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है जब कोई चीज़ अंदर चली गई तो बाहर देखने से कुछ मालूम नहीं होता इस पर एक और स्टेटमेंट है ज़रा मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी बुशरा बीबी की तर्जमानी है ख़ातून उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और आ, मिशाल यूसअफ सही वो ये कह रही हैं कि आज इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहिबा से अडियाला जेल समात के दौरान मुलाकात हुई बशरा बीबी ने मुझे बताया कि पिम्स के चार डॉक्टर्स ने आकर उनका मुँह कान और नाक का मुआइना किया उनके ना ब्लड टेस्ट हुए और ना ही कोई मेडिकल एग्जामेशन हमने आज अदालत को दरखास्त दी है कि आसिम के जेर निगरानी बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट होने चाहिए जिसके सैंपल शौकत खान लेबॉटरी से भी क्रॉस चेक करवाए जाएं अदालत ने मंजूरी दी अब अदालत के अहकाम के मुताबिक बुशरा बीबी के टेस्ट होने चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है ये स्टेटमेंट यहां पर आ गया वापस चलते हैं इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा साफी ने एक सवाल किया कि आपने और बुशरा बीबी ने इल्जाम आर्मी चीफ पर लगाया अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे इस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह कामयाब अल्लाह का प्लान होता है इमरान खान ने कहा कि जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए मैं पूरी कुर्बानी दूंगा मैं आज सियासत के पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा उन्होंने कहा कि जब कौम पर महंगाई बढ़ाई जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकलेगा इकतदार में मौजूद अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इनका सारा पैसा बैरून मुल्क है इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है छह जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है जजेस मुल्क के मुस्तबिल को बचाएं क्योंकि सरमाकारी सिर्फ कानून की बाला से आ सकती है जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा इस वक्त कॉम जजिस की तरफ देख रही है और जजिस को कानून की बालादस्ती कायम करनी है तब ही मुल्क में सरमाकारी आएगी सवाल किया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस्टेबलिशमेंट से रबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं वही बुशा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं साफी ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्लें न हो रही है इमरान खान ने कहा कि कमेटियों की तश्ील रोज़मर्रा के सियासी मामलों के लिए बनाई गई है हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और भी बातें की हैं अब कुछ बातें सेंसर मेरे ख्याल में कर दी गई हैं मीडिया में लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सारा मैंने डॉन न्यूज और एक्सप्रेस न्यूज से पढ़ के सुनाया जिन्हें फटना जाकर उन्होंने फट दो मैंने सिर्फ पढ़ के सुनाया कि एक्चुअली इमरान खान ने कहा क्या है और ये वहां से सहाफियों ने रिपोर्ट किया है तो जिसने पकड़ना है जाके उन सहाफियों को पकड़े डाउन न्यूज़ को पकड़े और एक्सप्रेस को पकड़े मैंने तो सिर्फ भाई जी पढ़ के सुनाया इसको रिपोर्ट किया अब आ रहा है मेरा तजिया मेरे मुताबिक इमरान खान साहब का ये जो गियर है जिसमें अब वो गाड़ी चला रहे हैं ये गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है जो गाड़ी में अब वो बैठ गए हैं इसमें ऐसा लगता है रिवर्स गियर नहीं है और इमरान खान साहब किसी किस्म के कम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं हैं हाँ वो मुजात करना चाहते हैं ऐसा दिखाई देता है यानी जब अली अमीन गंडापुर और उनके कैबिनेट के लोग जब वहाँ गए कोर कमांडर हाउस में उन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग की उसके ऊपर मैंने वैसे अलीम इन गंडापुर से पूछा था उन्होंने कहा था कि हमें वहाँ ब्रीफिंग दी गई थी और हमने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के बड़े सीरियस मसाइल हैं सूबे के अंदर और उनको निमटने के लिए हमें लॉ इन्फोर्समेंट के साथ बाकायदा एक वो रखनी पड़ेगी क्लेबोरेन ये अलीम इन गंडापुर का मौक़ था उन्होंने कहा कहाफ्तारी भी उन्होंने मैं करवाई और हम क्यों ना राबता करें एक इदारा है और कभी वो हमारे पास आएंगे कभी हम उनके पास जाएंगे इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर कोई तशवीश का इज़हार नहीं किया ठीक है मैं तो कभी भी इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ और वो तो कहते हैं कि फौज मेरी है मामला सिर्फ इमरान खान साहब का यह है कि वो स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनको भुगतना भी पड़ रहा है अब दिखाई ये देता है कि जिस गाड़ी के अंदर इमरान खान साहब सवार है ना उसका रिवर्स गेयर नहीं है और वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं यानी लुबे लुबाब यह है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया उन्होंने कहा अगर जनरल बाजवा जिसने मेरी हुकूमत गिराई उसके साथ बैठ सकते हैं तो अभी हम क्यों नहीं बैठ सकते किसी के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं डेमोक्रेट्स हैं बात तो हम करेंगे और मैं ये बात कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान एक डेमोक्रेट है ये जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि इमरान खान बल्ढोस कर देंगे सारा का सारा निज़ाम तहोबाला कर देंगे इसको यहाँ से ये कर देंगे उसको वो कर देंगे वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा वो डेमोक्रेट है जो करेगा जमहूरी तरीके से करेगा वो जो तब्दीली लाएगा पार्लियामेंट के जरिए से लाएगा वो अवामी प्रेशर को बढ़ाएगा ज़रूर ताकि ऐसे एलिमेंट जो टेबल के ऊपर नहीं आ रहे वो टेबल के ऊपर आकर इंसाफ की बात करें इमरान खान अवामी प्रेशर को बढ़ाएगा ये मुझे पहले दिन से आइडिया है और आठ फरवरी से बड़ा अवमी प्रेशर कोई और हो नहीं सकता जितना बड़ा इमरान खान ने अवामी प्रेशर डाल दिया है अभी आगे जलसे होंगे जुलूस होंगे ईद के बाद बहुत लंबी चौड़ी तैयारी है उनके बारे में मैं आपको चीजें बताऊंगा लेकिन ये अगर कोई सोच रहा है कि इमरान खान किसी जंग में और अंदाज में उतर जाएगा तो वो नहीं होगा वो नहीं होगा किसी को अगर उम्मीद है कि वो नौ मई के ऊपर मजीद सियासत कर लेगा तो वो नहीं होगा इमरान खान साहब डेमोक्रेट हैं वो बातचीत भी करेंगे टेबल के ऊपर भी बैठेंगे ग्राउंड के ऊपर एक प्रेशर भी रखेंगे और पार्लियामेंट के अंदर से भी दबाव डालेंगे और उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि अगर जनरल बाजवा से बात हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपने मौकफ़ से पीछे नहीं हटेंगे मौकफ़ क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए या जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ उसका एग्जैक्ट वही फ्री एंड फेयर रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाए और हुकूमत इमरान खान के हवाले की जाए वैसे इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना ये हुकूमत अगर एक साल चल गई तो फिर इमरान खान का रास्ता इमरान खान बलडोजर बन जाएगा इमरान खान इस तरीके से इस सारे सिस्टम को रोन देगा कि आप सोच नहीं सकते पब्लिक खुद कर देगी थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे पब्लिक खुद सड़कों पे होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके पीछे निकल के खड़ा होना पड़ जाएगा मरीम नवाज़ के मुंह से जो बार बार नौ मही निकल रहा है ना इसका मतलब है कि कोई चीज़ काबू नहीं आ रही निज़ाम में जाकर उसको पता चल गया है कि हालात बहुत ख़राब है हालत यहाँ तक पहुँच गई कि शायद अफरीदी को कहा हालाँकि उसका बहुत दिल कर रहा था शायद अफरीदी साहब का कि वो सियासत में आ जाएँ उन्होंने इसका तस्करा भी किया मैं तो कहता हूँ बिल्कुल उनको आना चाहिए उनको दो वजारतें हुकूमत ने ऑफ़र किए लेकिन वो भाग गए उन्होंने कहा कि मैं नहीं वजारत ले सकता इस वक्त और शुक्रिया अदा कर दिया उन्होंने शबाज़ शरीफ़ ने उनको वजारत ऑफ़र की है याद रखिएगा शबाज शरीफ ने यानी इमरान खान ने कभी वसीम अगरम को ऑफर नहीं की वजारत इमरान खान ने कभी वकारी को ऑफर नहीं की वधारत लेकिन शरीफ ने शाहिद अफरीदी को क्यों ऑफर की इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि एक शख्सियत को सामने लाया जाएगा उसका एक कृमा है उसका हम फायदा उठाएंगे और पॉपुलैरिटी गेन करेंगे इमरान खान के मुकाबले में कोई चीज़ लेकर आएंगे तो एक हज़ार जो है ना वो वह एक लाख भी शाहिद अफरीदी होंगे ना तो वो एक इमरान खान है और यह बात शाहिद अफरीदी अपने मुँह से मानेगा अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी अल्लाह